ऋषिकेश में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने मोतीचूर रेंज का भ्रमण किया और यहां विभिन्न स्थानों से लिए पानी के सैंपल लिए हैं। पर्यावरण जल जागरूकता कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने वन कर्मियों और इको विकास समितियों के पदाधिकारियों के साथ पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को लेकर गहन मंथन किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल मैनेजर SP सिंह ने अधीनस्थ स्टाफ के साथ में पार्क के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी के लिए सैंपल लिए हैं। वहीं इन सैंपलों को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांचा जाएगा। अगर पानी में कोई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं तो इसको लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य वन महकमा तात्कालिक उपाय करेगा। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। आजकल जैसा कि आपको जरूरत है कि वन्यजीव सप्ताह चल रहा है, तो इस समय हमने बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ लोगों को जागरूक किया जाए कि हमारे वन्यजीव जंगल और पर्यावरण को बचाने के प्रति वो जागरूक रहें, तथा साथ ही इसमें एक दूसरा प्लान था कि हमारे जो जंगली जानवर जिस पानी को पीते हैं जंगल में, उस पानी की क्या क्वालिटी है, उसके लिए आज हम नमूने भी एकत्रित करेंगे। तो इन नमूनों को एकत्रित करके कहाँ भेजा जाएगा, क्या इस नमूनों को एकत्रित करके हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और उससे लगाएंगे कि हम ये पानी की क्वालिटी किस लेवल की है। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज है। हमारे निदेशक श्री साकेत बोडोला सर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उच्च स्तर के अधिकारियों से अनुरोध किया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारी नदियाँ बह रही हैं, जो जल स्रोत हैं, उनके पानी का सैंपल लिया जाए, उसको चेक किया जाए कि वो पानी दूषित है या शुद्ध है, क्योंकि उस पानी का उपयोग जहाँ हमारे वन्य प्राणी करते हैं, हमारे वन कर्मी भी उसी को पीते हैं, और वो पानी नदियों के नालों के माध्यम से आबादी क्षेत्र में प्रवेश करता है। उस पानी से लोगों की सिंचाई होती है खेतों की, और लोग जानवरों को भी उस पानी को पिलाते हैं।